हाय, गुड आफ्टरनून। विल टॉक अबाउट प्रोफ्लेक्स एक्सी टोर्शन। ये एक ऐसा फुट है, एक्टिव फुट है, बहुत ही डायनेमिक और रिग्रेस एक्टिविटी के लिए बना है। इसके फीचर्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दिस इज फ्रॉम ऑसर। इसके अंदर ये टोर्शन यूनिट है जो कि हमें रोटेशनल मूवमेंट देती है। ये हाई कील है जो हमें एक्जियल लोड वेट बियरिंग, ये एक्जियल लोड बहुत ज्यादा जम टोर्शन में हेल्प करता है, और प्रोपोर्शनल वेट शिफ्टिंग में बहुत हेल्प करता है, जो हमारे स्टंप पे कोई प्रेशर नहीं आता है। वाइडर फुट कार्बन कील है जो बैलेंसिंग में बहुत अच्छे से काम करते हैं, और लेंथ वाइज भी कील इनकी पूरी टो के लिए फुल है, ताकि प्रोग्रेसिव रोल ओवर बहुत अच्छा मिलता है पेशेंट को। प्रोग्रेसिव हर मोमेंट में एनर्जी रिटर्न मिलता है। ये बहुत ही हाईली एडवांस एक्टिव फुट है जिसपे, और वाटरप्रूफ फुट है विथ ग्रेट टो सैंडल फीट है। इसको हम कंप्लीट करके क्या यूज है, किस तरीके से यूज होता है, पेशेंट के क्या फीडबैक है, अभी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपसे सबका आपको दिखाएंगे कि पेशेंट कैसा फील करता है इस वीडियो के साथ में। X5 लाइनर के साथ में पेशेंट को हमने फिट किया, X5 लाइनर विद सक्शन वॉल, प्रोफ्लेक्स एक्सी टोर्शन। विल कम टू द स्टंप साइड। अगर आप पेशेंट का स्टंप देखेंगे, पेशेंट का स्टंप थोड़ा नीचे से फ्लैबी है, मसल्स बहुत लूज है, बोन पूरी जो एंटीरियर डिस्टल एंड है टीबिया का प्रोमिनेंट है, लूज मस्कुलेचर है। ओल्ड यूजर है पेशेंट, बट सेटिस्फाइड नहीं है। जो पुराना लेग लगा हुआ है उसकी वजह से ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुए हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के प्रेशर बने हुए हैं पैर के ऊपर। अभी हम X5 लाइनर के साथ में यूज कर रहे हैं। कैसा पेशेंट का फीडबैक है, पेशेंट से कुछ फीडबैक लेते हैं, जिस तरीके की एक्टिविटी कर पाते हैं, कैसा महसूस कर पाते हैं, क्या क्या पेशेंट को फायदा मिलता है इस फुट को यूज करने से। सॉक के साथ पेशेंट ने लगाया, ये इसका फुट शेल लगने के बाद में ऐसा दिखता है, ये फुट शेल के बाद ऐसा दिखता है। आप प्लीज एक बार ट्राई करिए, आप लगाइए, मैं इसको लगाता हूँ। ये शू है, X5 लाइनर कैसे काम करते हैं ये अभी देखेगा। ये इन्होंने एक इसमें स्प्रे किया जो कि अल्कोहलिक बेस स्प्रे है, और उसके बाद जस्ट पुल इन किया इनसाइड, और ये एयर यहां से बाहर निकलते हुए, एयर पूरा बाहर निकला और ये कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया है। ये वन वे वॉल है जिसके अंदर से एयर निकल सकता है लेकिन अंदर नहीं जाएगा, तो ग्रिप बहुत भयानक है। कैसा फील करते हैं आप बताइए, आपकी एक्टिविटी करके दिखाइए प्लीज। यहीं पे बाहर चलिए, गेट खोलिए सर। आपको फिटेड लगता है, कहीं पे ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रेशर हो या कम प्रेशर हो, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके साथ से आपके कोई स्टंप पे तो प्रेशर नहीं है? स्टंप पे कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये जो फुट है एनर्जी बहुत ज्यादा रही। तो आपकी ये जर्नी कैसी रहेगी यहाँ तक पहुँचने की? पैर तो बांग्लादेश में भी बनते रहे। प्रीटी इंटरेस्टिंग, बट इट वाज ऑसम, इट वाज ऑसम। आप मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यू आर दिस वाइफ की अच्छा लगा, मैं भी बहुत ही सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि ये सेटिस्फाइड है बहुत ही शालो, माने तीन दिन में सब कुछ मिली। नहीं, आप बांग्लादेश में बोलिए, कोई आप अपना बताइए। हां, हमारा तो खूब ही भलो लागछे, এর আগেও দু তিনবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কোনো ভালো ফলাফল আমরা পাইনি। অনেক কষ্ট পাচ্ছিল, হাঁটুতে অনেক ব্যথা হচ্ছে, মানে হচ্ছিল। তো এখন এখানে আসার পর অনেক দিনই থাকতে হয়েছে, কিন্তু ফাইনালি এত ভালো একটা সকেট আর পা পেয়েছি, ফুট
তো খুবই ভালো লাগছে আর আমাদের ফ্যামিলির সবাইকে জানানো হয়ে গেছে তারাও খুবই শান্তি পাচ্ছে মানে তারা খুব আনন্দই পাচ্ছে যে ফাইনালি এত ভালো একটা সকেট আর লাইনার সবকিছু পাওয়া গেছে থ্যাংক ইউ আর ফাই প্রফেশন কি করতে হয় मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ साथ में प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ प्रोफेशनल फोटोग्राफर दैट्स व्हाई आई नीडेड दिस बुक दिस इज दिस फिल्म बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल आई हैव टू हाइक एवरीवन आई एम ए बिग ट्रैवलर सो हाउ डू यू फील राइट नाउ विद दिस फुल्ली एनर्जाइज्ड फुल्ली एबल सो देयर इज नो डिफरेंस लाइक नो बिफोर नाउ Before there was a full back, always a full back with that. This was the old prosthesis. ये इनका पुराना पैर था जो ये पहनते थे. He is not satisfied at all. This is the new bought from Ideal Artificial. Socket was not good. Please, sir. সবার ব্যবহার অনেক ভালো সবাই অনেক আন্তরিক হেল্পফুল তারা অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু এত ভালো একটা পা দেওয়ার জন্য তো রিভিউ 100 200 200 আবি অল দ্য ফর্ম ভিডিও এবার সিডিও পে আইয়ে স্যার সিডিও वगैरह पे चल के दिखाइए एक बार सीडीओ पे